वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने के लिए। मैं अर्शद आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। ये WBCS 2020 का क्वेश्चन पेपर है और WBCS के मेंस के एग्जाम में पेपर 6 में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स होते हैं और 100 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं। और ये पेपर 27 जुलाई 2019 को हुआ था, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 है। टोटल हमारा पार्ट 10 तक रहेगा। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन किया जाएगा। इस तरह से 10 × 10 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बोला कि अवेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ रूपीन 50,000, यानी 15,000 का लोन लिया गया, ठीक है। और 5 साल के बाद में वो जो चुकाया कितना, 22,125 रुपया रिपे कर दिया, ठीक है। कितना, 22,125 रुपया। तो बताना हमको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए ये कितने साल में चुकाया गया, 5 साल में। तो इसका देख लीजिए कितना इंटरेस्ट हो गया, इसको अगर माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15,22 यानी 7,125 रुपया। और इसको 5 साल में चुकाया गया, यानी हर साल कितना चुकाया गया, यानी हर साल कितना सिंपल इंटरेस्ट गया, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, कितना जाएगा, 14,75 और 1 × 10 = 5 × 10 = 25, 1,425 रुपये हो गया। अब 1,425 रुपये हर साल चुकाया गया, ठीक है, पर यह 1,425 रुपये चुकाया गया, तो हमें बता देना है कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1,500 का अगर हम लोग 1,500 का हम लोग अगर कितना 1,425 10% अगर निकालेंगे 15,000 का, तो कितना हो जाएगा 10%। तो 10% निकालने से हम लोग मान में 10 खाली हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1,500, लेकिन हमको चाहिए 1,425, यानी 10% जस्ट कम होना चाहिए। जस्ट कम कौन सा है, 9.5% मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स द अमाउंट ₹7,100 इन 7 इयर्स एंड ₹6,200 इन 4 इयर्स, लेट अस डिटरमाइन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो बता रहे कि 7,100 जो है वो बनता है कितने साल में, 7 साल में, और 6,200 बनता है वो कितने साल में बनता है, 4 साल में। तो हमको बताना है प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ अमाउंट अमाउंट घटा दीजिए, यहाँ साल साल घटा दीजिए, तो साल साल घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 साल अमाउंट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0,0 1,100 2,009, यानी 900 रुपये, यानी 3 साल में 900 रुपये एक्स्ट्रा बनता है, 3 साल में 900, तो यानी 1 साल में कितना बनता है, 300 रुपये, 1 साल में कितना बन रहा है, 300 रुपये, ठीक है। 3×3=900, यानी 1 साल में 300 बन रहे हैं, तो हमको प्रिंसिपल बनाना है। तो देखिए 4 साल में कितना हो रहा है, 6,200, ठीक है। तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 300 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1,200, और ये अमाउंट है तो 6,200 से 1,200 रुपये हम कैश हटा देंगे, इंटरेस्ट घटा देंगे, तो कितना जाएगा, 6×5, यानी 5,000 मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। क्या किया फिर से देख लीजिए, 7,100 से 6,200 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 900, और ये 7 से 4 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 300, यानी 300 रुपया, ठीक है। अब या तो आप इसको 7 साल का इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, या तो आप इसको जो है 7 साल का अगर इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2,100, तो 7,100 से 2,100 घटाएंगे तो भी 5,000 आएगा, या आप 4 साल का जोड़ेंगे तो 1,200, यानी 6,200 से 1,200 घटा देंगे तभी मेरा 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेटेस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इयर्स व्हिच इंटरेस्ट ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम विल बी 168, यानी 600 रुपये जो प्रिंसिपल है, 600 रुपये प्रिंसिपल है वो जो है 8% के हिसाब से हमको मिल रहा है, और 168 रुपये मेरा जो है क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो कितने साल में बन रहा है, तो हम यहाँ पे पहले निकाल देंगे 1 साल में कितना बन रहा है, 600 × 8% कितना हो जाएगा, 48 रुपया। अब ये 48 का कितना गुना हो जाएगा, कितना ही साल हो जाएगा, ठीक है। तो 48 से देखिए कितना गुना हो जाएगा, अगर 3 से करेंगे इसको, अगर हम 50 मान लेते हैं तो 50 या 150, 150 से ऊपर है, अगर इसे 4 से करेंगे तो 4×5=200, यानी 200 से नीचे, यानी 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3 और 4 के बीच में एक ही ऑप्शन है मेरे पास, 3.5 साल, ठीक है, यानी एक ही हो जाएगा, ठीक है। या तो वैसा कर लीजिए 48 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3×6=7/2 से कर लीजिए, तो देखिए 24 साथ कितना हो जाएगा, 7×6=28, 7×14=16, 169 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखिए 600 का बोला कि 169 जो है वो कितना साल में हो जाएगा, 600, तो हम लोग को मालूम है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगा देंगे, तो 600, ठीक है, प्रिंसिपल को नीचे लिखते हैं, ऊपर में 168×100 लगा देंगे, नहीं आई सिंपल इंटरेस्ट 100×, नीचे में 8 कर देंगे, तब भी आपको निकाल 2,000 कट जाएगा, और 8×6=48 ऐसे करेंगे तो 3.5 साल आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था, सीता बी सपोजिट सब मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5.2% पर एनम, आफ्टर 2 इयर्स सी गॉट 8.40% इंटरेस्ट, लेट अस राइट बैक कैलकुलेट द मनी हैज डिपॉजिट इन द बैंक, यानी 5.25% करके इंटरेस्ट मिल रहा है, और 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल में,
इन्हें 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है उसको, 840 रुपया, तो हमको बताना है प्रिंसिपल। तो 2 साल में देखिए, 2 साल में ये कितना बन जाएगा, अगर इसको 2 साल से मल्टीप्लाई करना कितना जाएगा, 5, 10, 10, 50, यानी 10.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 840 रुपया। ठीक है, हम इसमें क्या किए, हम परसेंटेज निकाल लिए, 1 साल में 5.25% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना बन जाएगा, 10.50, और 10.50 का वैल्यू दिया हुआ 840, तो 100% का निकाल लिया कितना जाएगा, बस यही तो निकालना है। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ तो 0 लगा देंगे, तो देखिए 105% का 8400, तो 100% कितना होगा, 8400 कम ही होगा, और एक ही ऑप्शन हमको 8400 से कम है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब अगर निकालना भी चाहते हो तो निकाल सकते, ये 21 हो जाएगा, काट के 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 21 × 4 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा, 4000, और इसको अगर 400 और 20 × 400 करेंगे तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन होंगे, 105 नंबर देखते हैं। मतलब 10 copies of book can be bought but certain sum of money payable at the end of 2 years, 12 copies of the same book can be bought for the same sum in ready cash, what is the rate of interest per annum? ठीक है, मतलब कि 10 copy जो है वो खरीदता है, ठीक है, कुछ पैसा में नहीं मालूम है, 2 साल तक वो उसको पैसा और चुकाता है। ठीक है, 10 copies सेम अमाउंट में, सेम अमाउंट मान लेते हैं, यहाँ पे सेम अमाउंट है, और उसी अमाउंट को 12 copy में खरीदता है जितना अमाउंट में खरीदा। ठीक है, इसमें कैश नहीं खरीदा, यानी कोई पेमेंट चुकाने में, लेकिन इसमें क्या उसको लॉस हुआ, 2 book लॉस हुआ। ठीक है, 2 book लॉस हुआ, तो कितना परसेंट पर एनम के हिसाब से वो दिया गया। अगर इसको देखिए, इसको नॉर्मल भी हम लोग कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। चलिए हम आपको लॉन्ग तरीके से बताते हैं, फिर शॉर्ट बताते हैं। मान लेते हैं कि 120 में खरीदा, तो एक बुक का दाम कितना हो गया, 12, और यहाँ पे 120 में खरीदा, तो एक बुक का दाम कितना हो गया, 10। अगर वो कैश में खरीदता तो 10 मिलियन मिलता है, लेकिन 2 साल में उसको 2 रुपया पेमेंट करना पड़ा, 2 रुपया पेमेंट कितना हो रहा है, 10 रुपये करके। ठीक है, 2 रुपये पेमेंट 2 साल तक, तो यानी 1 साल में कितना पेमेंट किया होगा, एक साल में 1 पेमेंट किया होगा, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया, 10 रुपये पेमेंट करता है कैश में, लेकिन वो अगर इंटरेस्ट लेकर पेमेंट किया तो 12 रुपये पेमेंट किया, 2 रुपये पेमेंट किया 2 साल में, तो 1 साल में 1 रुपया, तो एक कितना, 10 में 1, तो कितना परसेंट हो गया, 100 मान देते हैं, तो 10% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल भी आप कर सकते हैं, कुछ करना नहीं था आपको। देखिए 10 copy आपको ले रहा है या 12 copy ले रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 copy आ रहा है, कितना में, 10 में, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ₹200 कर दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा, कट कूट के आंसर 10% आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर 10% आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, 106 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी 17,200 एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम in a period in which 22,080 rupees amounts to rupees 37,536 at 40% simple interest per annum, find the sum। क्वेश्चन बोला है कि 22,080 जो है वो आपका बनता है 37,536 यानी 37,536 14% के हिसाब से, तो बताना है कि जितने साल में इतना हुआ उतने ही साल में कितने रुपये का, कितने रुपये का वो 12% के हिसाब से उतने सेम साल में वो कितना 17,200 बन जाए, तो हमको ये निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, ये जो प्रिंसिपल हमको जो है ये वाला इसको निकालना है कितने साल में होगा। ठीक है, हम देखते हैं, देखिए कैसे होगा। अब देखिए हमने पहले इसको निकाल लेते हैं, 22,080 जो है वो कितना बनता है, वो बनता है 37,536। ठीक है, 14% के हिसाब से पहले हम लोग माइनस से निकाल लेंगे, कितना रुपया एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जितना रुपया एक्स्ट्रा बढ़ता है वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कौन, एक्स्ट्रा मनी, 10 रुपये कहीं पर लगाए 15 रुपये मिला, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला, यानी वो इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए इसको, तो माइनस करेंगे तो 6 से 0 जाएगा, 6, 13 से 8 जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 हो जाएगा, और ये 3 से 2 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1, और 1 हो जाएगा, यानी 11, 4, 5, 6 आ रहा है, कितना साल में आ रहा है नहीं मालूम, कितना रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, 14, तो नीचे में 14 लिख लेंगे, हमको साल निकालना है, ये तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट इंटू 100 दे देंगे, और ये हमको प्रिंसिपल दे देंगे, प्रिंसिपल यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इतना बढ़ रहा है, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना, SI इंटू 100 डिवाइडेड प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, यही होता है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो अब देखिए काटा कूटी करना है, तो इससे अगर काटेंगे कहीं पे इसको माइनस करने में रॉन्ग हो गया, देखिए 6 से 0 6 और 13 से 5 जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा, 4, 4 से 0 जाएगा 4, और ये 7, 7 से 2 जाएगा ये 5 हो जाएगा, और 3 से 2 काटने में 14 एकम 14 हो जाएगा, फिर 14 एकम 14 हो जाएगा, 0 लेंगे 14 6 56। ठीक है, और इसको करेंगे दोगुना तो 20 हो जाएगा, और 20 25 100, यानी 5 साल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 साल तक इसको दे रहा, तो उतना ही साल में हमको इतना में कितना रुपया में जो 12% 17,200 बन जाएगा, तो 5 साल तक मेरा टी आ रहा है 5 साल तक। ठीक है, तो हमको देखिए वो उसमें हमको निकाल लेंगे कितना साल तक बन जाएगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे,
देखिए, 1 साल में उसको 12% में दे रहा है, तो 5 साल तक देगा तो कितना परसेंट देगा, 60% देगा, ठीक है। और ये वाला दे रहा है अमाउंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और इंटरेस्ट यानी 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट 160%। तो 160% मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास अमाउंट आ रहा है। तो 160% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 17,200। हमको 100% का निकाल लेना है कितना जाएगा, ठीक है, 100% निकाल लेंगे कितना है, तब भी निकाल लेते। देखिए, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 5 10, ठीक है, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 16 और 1 चले जाएगा 12, तो 8 एकम 8, 4 हो जाएगा, तो 8 5 40 और 0, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 50 को, तो जोड़ लीजिए कितना, 5 0 0, 5 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 3 10, यानी 10,750 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसे क्या निकाले, इसे हमने 5 साल निकाल लिए, फिर 5 साल यहाँ फूट करके प्रिंसिपल निकाल लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेगा, लिखा हुआ सम ऑफ अमाउंट रुपीज 1,180 in 3 years एंड रुपीज 1,300 in 5 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी बोल रहा है कि 1180 रुपये जो हो रहा है वो 3 साल में बढ़ रहा है, और 1300 रुपये जो हो रहा है अमाउंट हो जा रहा है 5 साल में, तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको मालूम है प्रिंसिपल चाहिए और हमको टाइम चाहिए, ठीक है, ये दो चीज चाहिए, प्रिंसिपल और टाइम। तो वो प्रिंसिपल पहले निकाल लेंगे, तो देखिए ये तो अमाउंट बोला है, ठीक है, ये अमाउंट हो रहा है, ये टाइम दे रहा है, तो हम बात में तो 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 साल में देखिए कितना हो जा रहा है, 120 रुपया, ठीक है, 0 10 8 जाएगा तो 2 सीख जाएगा, ठीक है, इन 2 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 60 रुपया। अब ये अमाउंट हो रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से निकाल ले, तो अगर 5 साल का ही निकाल लेते हैं, तो 5 साल में 60 रुपये का कितना रुपया इंटरेस्ट पड़ रहा है, 300 रुपया, और अमाउंट में अगर हम लोग प्रिंसिपल इंटरेस्ट बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 1000। अब हमको बताना है कि 1000 रुपया में 60 रुपया कितना परसेंट, वही तो इंटरेस्ट होगा, तो 1000 में 60 रुपया कितना परसेंट, 6%, 1000 का 60 कितना परसेंट, 6%, ठीक है, क्योंकि 1 साल का 60 रुपया आ रहा है और 1000 प्रिंसिपल आ रहा है, तो 1 साल में जो इंटरेस्ट बनता है वही कितना परसेंट होता है, तो वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कराएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देख लीजिए 1000 में कितना परसेंट, 6%। अगर आप फॉर्मूला लगा कर सकते हो तो कर लीजिए, 60 × SI × 100, प्रिंसिपल कितना 1000 टाइम 1 साल, ठीक है। अगर ये दो, अगर 2 साल का रहता तो हम लोग 120 लिखते, 1 साल, तो 2 0 2 0 कट गया, 0 0 खत्म हो गया, 6% इंटरेस्ट आ गया। आगे करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 60 नंबर बोला है कि सम ऑफ अमाउंट टू बी डबल इन 7.5 इयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट। तो देखिए डबल बोला है, तो डबल बोला है इसका मतलब, जब भी डबल बोले मतलब SI1 हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 हो जाएगा। ट्रिपल बोलता है तो SI, अगर ट्रिपल बोलता है 3 गुना, तो SI2 प्रिंसिपल 1, ठीक है। अगर बोलता है कि 4 गुना, यानी प्रिंसिपल 1 SI3, तो 2 गुना बोला, यानी SI1 प्रिंसिपल 1 SI × 100। हमको रेट निकालने बोला इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ, 7 × 14 = 15/2 दिया हुआ, तो ये 2 जो है ये चले जाएगा ऊपर, यानी 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और ये 2 जो है हमारा नीचे आ जाएगा, ये 2 जो है मैंने नीचे से कट के ऊपर चलेगा, तो ये 2 जो है मैंने कट गया, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 0, 5 × 3 = 15, यानी 20 × 40/3, 40/3 का मतलब 13 से 1/3, ठीक है, 13 से 1/3 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा 13 से 1/3। 16 से 2/3 दिया हुआ, लेकिन ये मेरा आंसर 13 से 1 हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 13 से 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मूव करते हैं, जो कि मेरा 109 नंबर क्वेश्चन है। सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स, तो इन हाउ मनी जो है कितने साल में वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। डबल हो रहा है 8 साल में, तो ट्रिपल कितना साल में हो रहा है, ठीक है, फिर लिख दे रहे डबल 8 साल में हो रहा है, तो ट्रिपल जो है वो कितना हो रहा है। देखिए डबल जब भी होता है ना, डबल हो जाए या चार क्या नाम क्वाड्रिपल हो जाए या 4 गुना हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, 6 टाइम्स हो जाए, कोई मतलब नहीं, हमको देखना है कि SI कितना है बड़ा। तो देखिए डबल का मतलब हो गया प्रिंसिपल 1 SI 1, ट्रिपल का मतलब हो गया प्रिंसिपल 1 SI 2, 4 गुना का मतलब हो गया प्रिंसिपल 1 SI 3, ठीक है। तो SI हमको देखना होगा कितना बड़ा, तो डबल मतलब SI 1 बड़ा 8 साल में, ट्रिपल बोला है ट्रिपल मतलब कितना प्रिंसिपल 1 SI 2, तो एक का वैल्यू कितना कितना साल में बढ़ा, ये एक कितना साल में बढ़ा 8 साल में, तो 2 कितना साल में बढ़ेगा 16 साल में। अगर यहीं पे बोलता है कि यहाँ पर 4 टाइम्स, या यहाँ पर समझिए 8 टाइम्स बोलता है, ट्रिपल बोला तो 8 टाइम्स बोलता है, 8 टाइम्स, तो इसका मतलब 1 + 7, ठीक है, तो 1 का 8 हुआ, तो 7 इसे बन जाएगा 56 साल, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज 25% प्रॉफिट इफ एन आर्टिकल सोल्ड इन 140, एट व्हाट परसेंट शुड द सेलिंग प्राइस बी इंक्रीज सो दैट देयर इज 50% प्रॉफिट, ठीक है। इसमें बहुत सारे लड़का लोग क्या करेगा कि आपको बताने वाले बहुत सारे टीचर भी बहुत सारे लंबे प्रोसेस करेंगे, शॉर्ट प्रोसेस हम करते हैं, तो जो है 10 सेकंड के अंदर आएगा, ठीक है।
125% प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब 100% सीपी, या 150 रुपया बोलो, 150 ले रहे, 100% सीपी ले रहे, हमें परसेंटेज निकालना है, तो 130% प्रॉफिट होगा, तो कितना परसेंटेज सीपी होगा, यहाँ से निकाल लीजिए, 25 25 5 25 24 100, ये कितना जाएगा, 5 10 5 6 30, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 4 6 24 और 4 8 10 यानी 104, यानी 4% मेरा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन पार्ट वन का WBCS पेपर 6 का। ठीक है, इसी तरह और 9 पार्ट आपके सामने बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।